आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि साल 2019 में अक्षय तृतीया किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे का है और सोना कितने बजे आप खरीद सकते हैं। तो साल 2019 में अक्षय तृतीया 7 मई को है और दिन है मंगलवार। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है, जो पूजा मुहूर्त है, वो है सुबह के 5:36 से लेकर दोपहर के 12:17 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। उसके बाद सोना खरीदने का जो शुभ समय है वो सुबह के 5:40 से लेकर रात के समझ लीजिए 11 तक है। आप उस वक्त तक सोना खरीद सकते हैं। तृतीया तिथि का जो प्रारंभ है वो सुबह 7 मई को ही शुरू हो जाता है। 7 मई को सुबह 3:17 से शुरू हो जाता है और तृतीया तिथि की समाप्ति होती है 8 मई को रात्रि 2:17 पे। यह शुभ मुहूर्त था। अब मैं आपको यह बता दूं कि वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या अक्खा तीज कहते हैं। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्यौहार है। इस दिन किया हुआ दान और किए हुए स्नान, यज्ञ, तप आदि सब कर्मों का फल अनंत और अक्षय होता है, इसलिए इस त्यौहार का नाम अक्षय तृतीया रखा गया है। तो आप समझ गए कि इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों है। भारत में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के अनुसार सांस्कृतिक विभिन्नताएं मिलती है। हर धर्म, हर क्षेत्र में कुछ खास त्यौहार प्रचलित होते हैं, उन्हीं में से अक्षय तृतीया। इसके पीछे मान्यताएं हैं। यह भी मान्यता है कि इसे भगवान परशुराम जयंती के जन्मदिन यानी कि परशुराम जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के अलावा विष्णु के अवतार नर और नारायण के अवतरित होने की मान्यता भी इसी दिन से जुड़ी हुई है। यह भी मान्यता है कि त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ था। इसकी जो मान्यताएं हैं वो भी, मतलब अब मैंने कह दिया कि उपवास रखने, स्नान दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध अबुझ मुहूर्त तिथि है। मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। एक ओर जहां मांगलिक कार्यों के करने के लिए अक्षर शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी से सलाह लेनी पड़ती है, वहीं अक्षय तृतीया एक ऐसा सर्वसिद्धि देने वाली जो तिथि है, इसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कर लीजिए। अब तृतीया में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो फिर यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यदि तृतीया लगातार 2 पूर्वाह में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग का ऐसा ही मानना है कि यह पर्व अगले दिन तभी मनाया जाएगा जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। अब मैं पूजन विधि आपको बता देता हूं व्रत के साथ में। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करे। अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगाजल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला और पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, ज्योत जलाकर पीले आसन पर बिठाकर विष्णु जी से संबंधित पाठ पढ़ने के बाद अंत में विष्णु जी की आरती पढ़ें। आप विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा ही पढ़ सकते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाना या दान देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अगर व्रत रखना संभव ना हो तो पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल आदि बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसका जो मुहूर्त है वो भी मैंने आपको बता दिया।
इस दिन पितृपक्ष श्राद्ध करने का भी विधान है। जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोना खरीदना इस दिन शुभ मुहूर्त है, इसलिए मैंने ऊपर ही आपको सोना खरीदने का समय बता दिया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।